शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा एकादश श्रेणी साहित्य बही साहित्य ज्योतिर कविता साप मोचनर द्वितीय अध्याय बा द्वितीय पर्याय। प्रथम पर्यायर आम देखी कि भावे श्रीकृष्ण पुओ माने जाके बणरे खेलुले शोष लगला से माने जाए गोटे खोजिले पानी पीवापाई एवं खोजु खोजु गोटे कूँ देखिले से कूर जत चाहिले कूँ को देखिले से अंधारिया कूँ हो भितर गोटे गोटे बड़ गोटे विराट काय क्रुकलाश पड़ी विराट काय एंडुओ ता भितर पड़ी है समस्त उठेबा को चेष्टा कले किंतु केही उठे पारे ना। तापर से माने लज्जित होती से माने भाविछन्ते जदि आम एमती न उठे कि चली जबू समस्त आम उपर हसबे तेणु बोली कहते से माने लज्जा अनुभव करापर कौन हो देखा बोलती देखि विपरीत आंभर बल वीर्ज हत टाणते तीले न चलला लाज त मरण गलिला हेला से कहते जड़े जोबले से टाणिले दौड़ी बांधिक क्रुकलाश को कू भितर अंधार कू भितर टाणी टाणी काढ़ चेष्टा कर जड़े अन्न जन को देख कहते आम या पारानी आमर बल वीर्ज सब चली गला जहाँ बल आम पाखे थी सब चलीगला तबे लाज तांकु लाज मरणरु ए लाजटा सबुठ बड़ लाज बोली से अनुभव कर लज्जा अनुभव कर टाणिले टिके भी से हलिलानी से क्रुकलाश टिके भी हलु नथिला से माने निजे निजे लज्जा अनुभव करापर से कहते श्रीकृष्ण वीर्जे आंभ जन्म शुणी हसबे सर्वजन्म है से निजे निजे भाई श्रीकृष्ण भाई जड़े योद्धा जड़े वीर राजा औरसर आम मैंने जन्मग्रहण कर श्रीकृष्ण भाई जड़े वीर पुरुष पुत्र आम मैंने कितु आम मैंने गोटे क्रुकलाश को समस्ते मिसिकी बाहुबल लगे हल पारन यटा गोटे गोटे बड़ लज्जार विषय समस्ते हसबे एक शुणिले समस्ते आम उपरे हसबे बोली से मैंने भाई। तापर रिपु हसबे यह शुणी किवा बोलिबे चक्रपाणी है से कहते हैं रिपु सब हसबे रिपु मान हूँ शत्रु रिपु मान कौन शत्रु ये सब देखिले रिपु मान हसबे अर्थात शत्रु मैंने हसबे शत्रु मैंने हसबे जे मैंने श्रीकृष्ण भाई जड़े वीर पुरुष पुत्र है गोटे क्रुकलाश को समस्ते मिसिकी बाहुबल लगे भी हल पारे समस्ते हसबे शत्रु मैंने सब हसबे किबा बोलिबे चक्रपाणी चक्रपाणी बा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कौन कहिबे आमको एहा जतेबेले से सुनिबे से कौन कहिबे रोहिणी सुत सुणी एहा आंभरे होइबे निर्दया रोहिणी सुत किए तुम्हें जानी श्रीकृष्ण भाई बलराम से रोहिणी पुओ रोहिणी सुत बलराम जदि एक शुणे से मैंने कृष्ण पिला माने निजे 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 भितर कथा होचन जदि ए विषय रोहिणी सुत शुणे ताहले आंभ उपरे निर्दया हो पड़े हाँ अर्थात आम को दंड देवे आम को शास्ति देवे आम उपरे निर्दया हो पड़े हैठ कहते पूरे हसबे बधू जने बसन आच्छादी बदने पूरे पूरे माने कौन आम गाँव बा आम अंचल आम राज्य समस्ते हसबे को मैंने पूरे हसबे बधू मैने मुहरे मुहरे बसन आच्छादी बदने कपड़ा मुहरे पक तुम जानी स्त्रीलोक मैंने मुहरे कपड़ा देखिए हसंती से कहते से मैंने मुहरे कपड़ा दे कि बधू मैने बहु मैने आम राज्य बहु मैने सब मुहरे लुगा दे कि हसबे निराशे कृष्ण पासे जाई बोलती सिरे कर दे सेठ समस्ते निराश हो गले एक भी भाविले आमको आमको लाज लगे समस्त आम उपर हसबे बलराम रागिजे आम उपर आते कि निराश हेले कहीं क्रुकलाश को बाहर करे निराश हो कि कृष्ण पाख को गले जाए कि मुंडे हाथ दे कि कहले मुंडे हाथ दे कि कहले जे भो देव शुण सवधाने अद्भुत कथा घोर बने सेठ जा पिता श्रीकृष्ण को से माने कहते जे भो देव हे देव शुण आम कथा टिके सावधान है कि शुण
सावधान होकि आम कथा शुण। अद्भुत कथा घर बने, घर बनरे गोटे अद्भुत कथा आम देखिकी आसिलु, सावधान होकि आम कथा टिके शुण बोली जाइकि पितांकु बा श्रीकृष्णंकु कहिले। से जो बन गहने अंधकूप तामध्ये कृकलाश रूप कहते बण भितर गोटे अंधार कू अच्छे अंधकूप बण भितर गोटे अंधार कू अंधार होता भितर सब गछपत्र उठी जा अंधकार कूप गोटे कू अच्छी तामध्ये कृकलाश रूप ता भितर कृकलाश भाया गोटे देखा जा एंडुओ भाया गोटे पड़ी एंडुओ भाया तार रूप गोटे कौन जीवटे पड़ी तार रूप हूँ एंडुओ भाया कृकलाश भाया। पर्वत प्राय ता शरीर नचले अति अति गुरुतर है से कहते ये पर्वत प्राय ता शरीर पर्वत भाया विराटकाय शरीर तार पाने कृष्ण पु मैने प्रद्युम्न सांब एम समस्ते कृष्ण को जैकि यह विषय कहते जे विराटकाय तार शरीर आम से कौन पर्वत पी विराटकाय तार शरीर नचले अति गुरुतर जिते आम परिश्रम कले भी से टिके हलिला ना आम जिते उद्धार करने चेष्टा कलु से टिके भी हलिला ना है। ओटारी नपारू बड़े टाणते चरण नचले है बल लगे टिके ओटारी भी पारुनि टाणिला बेले आम गोड़ भी टिके आम टाणी टिके आग को भी जापारूनि मैंने आम गोड़ भी चलानी टाणिकी आम गोड़ भी चलानी से भारी बा अद्भुत जीवटे जे आम हल भी पारू ना एबड़ लज्जा विपरीत शुणी हसिले जदुनाथ है ये बड़ लज्जार कथा यहाँ अच्छे ये बड़ लज्जार कथा जो कृष्ण पाने गोटे कृकलाश को हल पारे समस्ते मिसिकी एटा गोटे बड़ लज्जार विषय तेणु एक शुणिकी जदुनाथ हसिले कृष्ण हसिले हसिले कहले तुम गोटे कृकलाश को भी हल पारानी हसिले बोलती चल जीवा बने पोए धाइले तोष मन तापर से कहले ठीक अच्छे चल समस्ते जीवा चल जीवा बण को देखा कौन है कौन है कृकलाश पड़ी तुम केमी हल पारानी कौन है देखा बोली बाहर किए श्रीकृष्ण पोए धाइले पोए मैंने कौन पुओ मैंने श्रीकृष्ण पुओ मैंने श्रीकृष्ण पुओ मैंने दौड़िले मन खुशी होकर दौड़िले बापा सांगे पिता कारण पिता से जानते पिता वीर वीर पुरुष से संभव करदे असाध्य भी साधन करदेपारे तेणु समस्ते संतुष्ट तोष होकर पछपछे गले एमते घोर बने जाई कूपे चाहिले भावग्राही एमती घोर बन को गले जाए भाव से घोर बनरे जाए पहुँचिले से पहुँचिकी भावग्राही बा कृष्ण कृष्ण को भावग्राही बोली ये संबोधन करछंती कवि जगन्नाथ दास ये भाव घोर बनरे जाई श्रीकृष्ण पहुँचिले एवं कूप को चाहिले से कूप को चाहिले देखिले घोर अंधकार निर्जल तृणे महाघोर है से देखिले जे घोर अंधकार से कूप भितरटा घोर अंधकार निर्जल से जल ना तृण भरी जा घास पत्र गछलता से कूप भितर पूरा भर्ती हो जाए महाघोर पूरा भयंकर देखा जाए से कूप ताधरे गछपत पानी ना गछपत सब उठी जा भयंकर देखा जा कूटी है। अद्भुत कृकलाश काए दिशई गिरीशृंग प्राय है ता भितर से जो अद्भुत कृकलाशटी पड़ी गोटे अद्भुत कृकलाश अद्भुत अद्भुत एंडुअटे पड़ी तार विराट शरीर नहीं भितर पड़ी दिशई गिरीशृंग गिरीशृंग प्राय से केमी देखा जा गोटे पर्वतर शृंग भाव पर्वतर शृंग तुम्हें जान थ एमती पूरा ऊपर अंशटा आम कहू गिरीशृंग है पर्वत शृंग भाया से एंडुअटी देखा जा गिरीशृंग भाया से देखा जा अद्भुत गिरीशृंग अद्भुत कृकलाश काय तार अद्भुत एंडुअ तार शरीर अद्भुत ये विशाल एवं गोटे पर्वतर शृंग भाया शिखर भाया देखा जा अधोबदन ऊर्धलांज देखि चकित देवराज अधोबदन अधोबदन माने कौन मुह को तलू को सी पोति
मुह को तल को पोती लांज को ऊपर को उठे अध गदन ऊर्ध लांज है शरीर को तल को से झुकी लांज को ऊपर को उठे देखिए चकित देवराज देवराज बा श्रीकृष्ण यह देखिक आश्चर्य होगले आश्चर्य होगले सब देखिक दया सागर देवहरी तालांज बाम करे धरी दया सागर देवहरी देवहरी को कवि जगन्नाथ दास दया सागर बोली संबोधन कर दया सागर देवहरी हूँ किए श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण ता लांज बाम करे धरले बाँ हाथ में ता लांज को धरले श्रीकृष्ण तो वीर पुरुष तुम्हें जाच बाँ हाथ में ता लांज को धरले बाँ हाथ में ता लांज को धरले कूप तोलिले दामोदर माला जैसने मालाकार कूप तोलिले तोलिले कूरु तोलिले अर्थात कूरु उद्धार कले कूर आणिले से एंडुटा को श्रीकृष्ण कू भितर आणिले माला जैसने मालाकार माला हाथ में माला पकेला भलिया मालाकार जो माला बिक्री करे मालाकार जमी हाथ में माला पकई थाए सेमती पूरा अति हालकार सहित पूरा अति सहजरे कृष्ण ताको बाँ हाथ में उठे नहीं आसले से तोली पकाते ऋषिकेश ताको उद्धार करके कूँ भितर बाहर करके जमी तले पकई तोली पकाते ऋषिकेश ऋषिकेश जमी श्रीकृष्ण जमी बाँ हाथ में धरिकी कूँ भितर बाहर की तले पकई प्राण छाड़ा कृकलाश कृकलाशर मृत्यु होगला एंडुअर मृत्यु होगला से कृकलाश मरीगला कृकलाशर मृत्यु है जेणु लगला कृष्णकर दिव्य स्वरूप है तार जो जेहेतु श्रीकृष्ण का दिव्य हाथ ता देहरे लगला श्रीकृष्ण का हाथ हस्तर स्पर्श ता देहरे कृकलाशर शरीर लगला कौन है ना दिव्य स्वरूप है तार से कृकलाश गोटे दिव्य स्वरूप पाइला गोटे सुंदर रूप पाइला दिव्य स्वरूप सुंदर रूप टीए से पाइला जमी श्रीकृष्ण का स्पर्श पाई से एंडुअर मृत्यु होगला किंतु से तार शरीर गोटे दिव्य पुरुष रूप नेला उदय गिरी शिखे शशि जेसने गगने प्रकाशी किभली भाव दिव्य स्वरूप किभली उद्भासित है गोटे दिव्य स्वरूप धारी दिव्य रूपधारी जड़े पुरुष आविर्भाव है एंडुअर मृत्यु है तार भितर गोटे दिव्य पुरुष पुरुष उद्भासित है कौन है ना कवि कहते से जे उदय गिरी शिखे शशि गिरी मान कौन पहाड़ पहाड़ शिखर में जोबले चंद्र उदय हमें तुम्हें देखि संध्या समय रे पहाड़ पछपटु पछपटे सूर्य बुड़ी जाती तापर चंद्रर आगमन हुए शशि बा चंद्र उदय हमें तो जोबले पहाड़ पछपटे अंधारिया आकाशे चंद्र उंकी मारती चंद्रर उदय हुए सेतेबेले केते सुंदर लगे से परिवेश सते जमती चमकी पड़ुछि सते जमती तार चमक समस्त को आकर्षित करे से कहउचंती जे उदय गिरी शिखे शशि पर्वतर शिखर रे चंद्र उदय हेले से जो मनलोभा बा आकर्षणीय कण परिवेश सृष्टि हुए ठीक से भले दिव्य स्वरूपर कौन दिव्य स्वरूप दिव्य पुरुष टीए सम्मुखें उद्भासित है एंडुअर मृत्यु पर कृकलाशर मृत्यु पर सम्मुखें गोटे दिव्य पुरुष उद्भासित है जेसने गगन प्रका गगने प्रकाशी आकाशे जमी चंद्र किरण विच्छुरित हो जाए चंद्रर उदय हेले चंद्र किरण विच्छुरित हो जाए से अंचल आकाश सुंदर लगे ठीक सेमती जड़े दिव्य पुरुष पुरुष सम्मुखें उद्भासित होती एंडुअर मृत्यु पर शुद्ध सुवर्ण देह झड़ी जल दे जेसने विजुड़ी है तुम्हें देखि जलद जलद मान कौन मेघ मेघ जोबले तुम्हें देखि मेघ आसिले बिजुली चमके बिजुली मारे बिजुली मारे केमती देखा जाए ना मेघरे मेघ बाड़े हुए और मझीरे पूरा सुनेली रंगर सुवर्ण रंगर
सुनेली रंगर बिजुली एमती अंका बंका बिजुली चक करके हुए चमकी उठे तबे से जो से कहते जमीती शुद्ध सुवर्ण देह झलसी उठे शुद्ध सुवर्ण देह रे बिजुली चमकी उठे शुद्ध पूरा स्वच्छ सुनार देह बिजुलीटा सुवर्ण रंग सुनार रंग से कहते जमीती कला मेघ भितरे सुनेली रंगर बिजुली चमकी उठे ठीक सेमती ए बृहत विशालकाय एंडुओ देहरु जने दिव्य पुरुषर आविर्भाव हेला बुझिपारल कौन कहती कवि कवि कहती जे जेमिती कला मेघ भितरे गोटे सुंदर स्वच्छ सुवर्ण रंगर बिजुली चक्करिक चमकी उठे ठीक सेमती विशाल विराटकाय कृकलास अद्भुत जीव कृकलासर शरीर रु गोटे दिव्य पुरुष उद्भासित हेले सुंदर पुरुष दिव्य पुरुष उद्भासित हेले हेला दिव्य वसन गंधमाल देखि चकित नंदबाल दिव्य वसन पिंधिंट से पुणी से जो दिव्य पुरुषंकर आविर्भाव हेला से दिव्य पुरुष दिव्य वसन पिंधिंट गंधमाल पिंधिंट फूलमाल पिंधिंट गंधमाल कौन सुवासित माल से जो माल पिंधिंट ता भितर बास्ना छुटुची फूलर माल जो पिंधिंट ता दर बास्ना छुटुची दिव्य वसन सुंदर वसन से पिंधिंट देखि चकित नंदबाल नंदंक पुओ माने बा कृष्णंकर पुओ माने ए सब देखिकरी आश्चर्य होगले अरे गोटे अद्भुत जीव कृकलास थिला आदरु कोन गोटे दिव्य पुरुष उंकर उद्भासित हेलेनी एवं तांको देहरे दिव्य वसन गंधमाल सुगंध माल अच्छे जो माल पिंधिंट आदरु बास्ना छुटुची ए सब देखिकी सेमाने आश्चर्य होगले ताहा जानती कृष्ण एके विख्यात अर्थे नरलोके हेला ताहा जानती कृष्ण एके कृष्ण किंतु ए विषय सब जानती से तो भगवान तुम्हें जाच से अंतर्जामी ना से सबकि जानती तबे ताहा जानती कृष्ण एके विख्यात अर्थे नरलोके गोटे विख्यात अर्थरे प्रसिद्ध अर्थ बा कारण अर्थ माने आम ये कही पार कारण गोटे विख्यात कारण जो ए दिव्य पुरुष ए नरलोक ए मर्त्यभूमि ए मर्त्यभूमि को आसी से कहीं आब कृष्ण जानी है कृष्ण को ए विषय सबकि जना है से कहते ताहा जानती कृष्ण एके कृष्ण एका से विषय सब जानी विख्यात अर्थे नरलोके ये गोटे विशेष अर्थ रे गोटे स्पेशल रिजन गोटे विशेष अर्थ जो विशेष कारण रु नरलोक को ये दिव्य पुरुष जनक आसी से जानती तार बदन चाह हसी पुछंती प्रभु ब्रह्मराशि किंतु श्रीकृष्ण तो तुम्हें जानव से सब जानती किंतु केबे प्रकाश करती ना जे सब जानती बोली तथापि ता बदन को चाहिए ता दिव्य पुरुष ता रूप को चाहिए ताकु पचारे श्रीकृष्ण पचारे सब जानते मन भितर किंतु ताकु पचारे पचारे हाँ ब्रह्मराशि ताकु पचारे कौन पचारे तुमहा भाग पुण्य देही देवता प्राय मु मणई तू महाभाग हे महाभाग माने हे अतिथि बा कही पारिबा हे महान पुरुष तुम्हें पुण्य देही भलिया लागुच तुम्हें पुण्य देही अर्थात तुम्हें दिव्य पुरुष भलिया लागुच पवित्र देही तुम्हें पुण्य देही तुम्हें दिव्य पुरुष देवता प्राय मु मणई मत लागुच तुम्हें जो देवता बोधे कृष्ण जानते सब किंतु तथापि से पचारुंते कहते से दिव्य पुरुष को कहते कहते हे महाभाग तुम्हें जड़े पुण्य देही तुम्हें जड़े देवता भली मत लगुच देवता प्राय मु मणई मत लगुच मत मन होमें जड़े देवता बोधे कह तू केश केवण पुरुष किंपा होलु कृकलास से कृष्ण ताको पचारुंते तू किए कह तू किए कह कह तू केवण पुरुष तू किए कह केवण माने किए तू के पुरुष तू केवण पुरुष कह किंपा होलु कृकलास कहीं एंडुक सरी कहीं एंडुओ हो जाइलु टे कह से विषय से किपाप बसु भोग करी शरीर अंधकूपे भरी कौन पाप एमती करूँ जे तार फल भोगुचु तू किपाप बसु भोग करी कौ पाप बसत तू दंड भोगुचु एवं तोर शरीर को ये अंध कूँ भितर भरी देचु ये अंधार
कूँ भितर ये जो अंधार कू बंद कू भितर तू निजक भरी देचु कौन तू पाप करूँ जे जार फल तू भोगुचु टिके कह मते। कृष्ण ताकु पचारिछन्ति एको पे अछु केते काल कह न करी अवहेल केते केबे तू इठिया भितर अछु केते काल ठू तू अछु केते कालरु केते वर्षरु तू ए कू भितर पड़ीचु से विषय टिके कह किछि अवहेला न करिकी किछि चिंता न करिकी टिके कह। तुहि नहु पापी जन तुहि त नहु पापी जन कह ए केवण विधान तू तो पाप पापी लोक भलिया लागुनु तू जणे पुण्य देही जणे देवता भली लागुचु तू तो पापी लोक भलिया लागुनु काहेकि तू एमिती करिचु काहेकि तू एठी आसी पड़ीचु कौ कारण जो एमती रूपतर होके मत कह से सबू टे मत जना बोली से तो कहते जे शुणीते योग्य जेबे मुही शुणीते योग्य जेबे मुही कह निर्भय चित्त होई ता कहते मुझे मत तू शुणार योग्य बोली भावुबु मत जदि तू शुणा योग्य बोली तो विषय मुणबार योग्य बोली तू जदि भावुबु ताल मत तो विषय कह बोली श्रीकृष्ण शुणीते योग्य जेबे मुही मुझे शुणार योग्य बोली तू भावुछु तो विषय जाणवार योग्य बोली मत जदि भावुछु ताहले निर्भय चित्तर हाँ निर्भय होइकि निर्भय मनरे तू तो विषय मत कह। एमंत कृष्ण वाक्य शुणी आनंदे कहे नृपमणि है नृपमणि अर्थात से जणे राजा से दिव्य पुरुष होचंती जणे राजा है एमंते कृष्ण का वाक्य शुणी एभली भाव कृष्ण जिते कहले जे जदि मत तुम विषय शुणवार योग्य बोली भावुच ताले तो विषय भावुचु योग्य बोली मत भावुचु ताले तो विषय मत कह जे कहीं के तु ए भर पढ़ीचु कहीं आसीचु तू कौटी आसीचु तू किए है तो विषय मत कह। तेबे एक बेले शुणी से दिव्य पुरुष से खुशी हो जाती आनंदे कहे नृपमणि खुशी होपर कृष्ण को से निज विषय कही कौन कहते सिरे मुकुट रवि प्राय नमिला गोविंदर प्राय एवं से जणे राजा से जणे राजा तांको मुंडरे रवि प्राय मुकुट रवि माने कौन सूर्य सूर्यंक भली गोटे सूर्यंक आकार जमती तुम्हें देखी मुकुट सब टीवी रे हो बा सिनेमारे हो तुम्हें देखी राजा माने केमती मुकुट पिंधती पछपटे सूर्य भली आकार थाए तो से भली रवि प्राय मुकुट से पिंधिछंती से दिव्य पुरुष जनक नमिला गोविंदर प्राय है भगवान पाद तले से नमस्कार कला बा भगवान को बा श्रीकृष्ण को से नमस्कार कला किए से दिव्य पुरुष जनक जणे राजा से होचंती जणे राजा से श्रीकृष्ण को नमस्कार कले है भोनाथ नृग राज मुही लक्षा को वंशे जात हो सरी इक्वा इक्वा को वंशे भोनाथ हे नाथ मु होचि नृग राजा है अर्थात से होचंती किए से होचंती नृग राजा राजा ना होचि नृग हाँ से होचंती नृग राजा से निज विषय परिचय देचंती सेठ से श्रीकृष्ण को कहिचंती भोनाथ हे नाथ मु होचि नृग राजा इक्वा को वंशे होइजात इक्वा को वंश माने इक्वा को वंश माने कौन सूर्य वंशर आ गोटे ना होचि इक्वा को वंश से कहते इक्वा को वंश रे मोर जन्म होइछि इक्वा को वंश रे मोर जात मु होचि नृग राजा इक्वा को वंश रे मोर जात बा सूर्य वंश रे मोर जात जगत मध्य जेते दानी जगत मध्य जेते दानी ताहांक मध्य मु अग्रणी है से निज विषय कहले कह आरंभ कर नृग राजा से होते से कहते हे नाथ आपण जाणि रखंतु मु होचि कण नृग राजा सूर्य वंश रे मोर जात ए जगत रे जेते दानी अछंती समस्तंक ठारु मु अग्रणी अर्थात मु होची महादानवीर अर्थात मु होची दानी मानंक गहण रे मु होची अग्रणी अर्थात मु सबुठारु बड़ दानी से कहचन दुनिया रे जेते दानी अछंती मु होची अग्रणी अर्थात मु होची सबुठारु बड़ दानी तू ताहा अछु भले जाणी मुकी कहिबी परिमाणी
तु तो ए विषय सबकि जाणीचु। श्रीकृष्ण को से कहते राजा नृगराज नृगराज कहते तु तो ए विषय भलक सब जाणीचु, ए विषय तु सब भल कर जाणीचु, मु कि कहबी परिमाणे मुते परिमाण में कहबी, कौ परिमाण कौन मुा कह ए विषय तो तू सब जाणीचु, ए सृष्टि कर्ता तु ही हर्ता तु ही, ए सृष्टि विषय तु ए सृष्टि को तो लालन पालन कर सृष्टि को तु सब जाणीचु, सृष्टि विषय तु सब जाणीचु, मु कौन टे अधिकाटे कहबी, तु ता भल मो विषय भी तु भल भाव जाणीचु, मुझे नृगराज जिते दानी अच्छा ए संसार मुझे से मानते अग्रणी, मुझे सबुठ बड़ दानी है। सर्वभूतक आत्मा तु ही अशेष ज्ञान तोर तह है, तु हूँ सबु भूत अर्थात सबु आत्मा तु हूँ परमात्मा, तु हूँ समस्त भगवान, तु हूँ सर्वभूतक आत्मा, सर्वभूतक तु हूँ आत्मा, तु हूँ परमात्मा, तु हूँ भगवान, अशेष ज्ञान तोर तह, तोर ए संसार विषय अशेष ज्ञान रही, तु ए संसार विषय सबकि जाणीचु, आ मत कौन मो विषय पचारु, तो सबु किछि संसार रे संसार विषय रे जानिछु। तथापि आज्ञा घेनी सिरे कहिबी तोहर छामुरे, तथापि जदि तोर आज्ञा हेउछि, तु होछु परमात्मा, ए संसार रे जेते आत्मा अछन्ति तु तांको सृष्टि करिछु, तु तांको र कोन तु हूँ सर्वभूतंकर परमात्मा, समस्त सबु आत्मार तु हूँ परमात्मा, तु हूँ ईश्वर, तु हूँ भगवान, तु सबकि जाणीचु ए संसार विषय मुँह कौन जाणी केते परिमाण रे जाणी जे मु कहिबी ए विषय रे, तथापि तु जदि आज्ञा दौछु ताहले मु निश्चय मो विषय रे कहिबी। तबे एहा थिला द्वितीय पर्याय, मु आशा करूछि तुम्हें द्वितीय पर्यायटी भल भाव बुझिपारिथिबो। तबे पर यार तृतीय पर्याय आम देखा नृगराज निज विषय कौन कौन सब कहते तेब तृतीय।